ये देखिए ये स्टेनर है, ठीक है, जैसे किचन पे छाकनी जो यूज होता है, ठीक है। फ्रेंड्स वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। दोस्तों सुजुकी एक्सेस 125 में आज मैं इंजन ऑयल को चेंज करने वाला हूं, और इसके लिए क्या क्या आपको प्रिपरेशन लेना है और क्या क्या टूल्स यूज करना है, कैसे आपको चेंज करना है, फुल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया था। पर ऐड होते रहते हैं तो उनको वो वीडियो हो सकता है कि ना मिले, तो इसीलिए मैं प्रोसेस को बार बार मैं आपको दिखाते रहता हूँ मैं अपने चैनल पर, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स लगेगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको ड्रेन करने के लिए एक पैन आपको चाहिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से आप कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं। जो ड्रेन जो नट है वो बेसिकली नीचे में रहता है इस पोजिशन में, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नीचे रहता है, और इसका जो साइज़ है वो है 17 mm का। तो मैं यहाँ पे 17 mm का एक गोटी यूज़ करने वाला हूँ, और इस टाइप का रैचेट सेट अगर आपके पास रहता है तो बहुत ईजी रहता है। तो इस टाइप का टूल्स आप ले सकते हैं, या सिंगल पीस भी आप परचेज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल में यहाँ पे कैस्ट्रोल का एक्टिव स्कूटर 10W30 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे 800 ml का ये इसका क्वांटिटी रहता है। और मेन जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो ग्रेड है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, API SN JSO MB यहाँ पे इसका ग्रेड है। तो ये किसी भी टाइप का 4 स्ट्रोक स्कूटर में आप इसको डाल सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से मैंने परचेस किया, लिंक मैं नीचे दे दूंगा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो। अब इंजन ऑयल चेंज करने के लिए दो कंडीशन है, एक है इंजन गर्म जब है और दूसरा है इंजन जब ठंडा है। मैं बेसिकली इंजन जब थोड़ा गर्म रहता है तभी मैं ड्रेन करता हूँ, क्योंकि इंजन का जो क्योंकि इंजन ऑयल का जो फ्लूडिटी है बहुत ही हाई रहता है, तो ड्रेन करने में बहुत आसान रहता है। लेकिन वहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है कि इंजन ऑब्वियसली हीट है, इन साइलेंसर पार्ट हीट है, तो वहाँ पे सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप खुद से फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इंजन जब ठंडा है तब ओवरनाइट ड्रेन कर सकते हैं और फिर सुबह आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंजन ठंडा है, उसी प्रोसेस में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और एक ट्राईपोड है आपको दिखाने के लिए। का नट ओपन करने से पहले जो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इंजन ऑयल डलेगा। ये बेसिकली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर नीचे का नट सिर्फ खोलते हैं, इसको नहीं करते हैं, तो अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और ठीक से इंजन ऑयल ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो इसको पहले ओपन कर लीजिए, और इस पार्ट में भी आपको एक लेवल मिल जाता है, मतलब चेक करने के लिए कि इंजन ऑयल अंदर में है या नहीं। तो यहाँ पे आप, मैं फोकस कर लेता हूँ, देख सकते हैं सामने वाला पार्ट भीगा हुआ है, तो इंजन ऑयल का लेवल तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज करने का टाइम आ गया। तो रैचेट को लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। आप एटलीस्ट 30 मिनट दे सकते हैं इंजन ऑयल को अच्छे से ड्रेन आउट होने के लिए। सो इंजन ऑयल जहाँ से ड्रेन हो रहा है वहाँ पे एक स्ट्रेनर रहता है, स्ट्रेनर बेसिकली एक फिल्टर रहता है। तो आपको इसको पकड़ के, एक जाली टाइप का है, ठीक है, इसको पकड़ के आपको खींचना पड़ेगा डाउन साइड में। ये देखिए ये स्ट्रेनर है, ठीक है, जैसे किचन पे छाकनी जो यूज़ होता है, ठीक है, रहता है कि ऑयल फिल्टर सुजुकी एक्सेस में है या नहीं, तो है भाई, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा, बस इसको निकालना है आपको, थोड़ा वॉश करना है अच्छे से, बढ़िया से, पेट्रोल से भी आप कर सकते हैं इसको वॉश, फिर ड्राई करके फिर इसको आप इंसर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये दो पार्ट अच्छे से क्लीन हो गया है, और ये फिट करने के पहले देख लीजिएगा ये वाला ओरिंग है या नहीं, क्योंकि बहुत बार सर्विस सेंटर में ऐसा हो सकता है मे भी कि ये ओरिंग अगर निकल जाता है तो नीचे से आपका ऑयल लीकेज चालू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि ओरिंग कहीं पर डैमेज तो नहीं है और ओरिंग कहीं मिसिंग तो नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको एक लॉक मिलता है, इसको पहले निकालना है। सिस्टम अच्छा किया है, ओके, और इसको आपको पुल अप करना है। ओके, तो इस तरह से कुछ आपको एक नोजल टाइप का मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका 650 ml इंजन ऑयल डलेगा, इस केसिंग पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे फनल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें आपका 800 ml का है, तो लास्ट में यहाँ पे 150 ml जब पड़ा रहेगा तब जाके मैं इसको स्टॉप करूँगा। ओके,
तो इंजन ऑयल डल गया है और यहाँ पे एग्जैक्टली 200 ml से 50 ml जस्ट नीचे तक मैंने स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे 6 से 50 ml यहाँ पे रुक गया है। और ऑयल लेवल चेक करने के लिए जो अच्छा प्रोसीडियर है वो है ये वाला जो आपका जो नॉब है, इसको पहले आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा के फिर निकाल लेते हैं, लेकिन इसको टाइट करके फिर आपको खोलना है और फिर खोल के आपको यहाँ पे चेक करना है। ओके, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर पार्ट भीगा हुआ है यहाँ तक, तो ऑयल लेवल मेरा सही है। दोस्तों, इंजन ऑयल चेंज होने के बाद आपको यहाँ पे कैसे इंजन ऑयल चेंज का जो इंडिकेशन आता है कैसे रिसेट करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और एक और इम्पोर्टेंट एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल चेंज का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, आई होप कैमरा में कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल चेंज का इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और इस मोड में जाना है जहाँ पे ऑयल चेंज का जो पैरामीटर है अंदर में वो ब्लिंक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और स्विच को बंद करना है ऐसे, ठीक है, और दबा कर रखना है ऐसे, छोड़ना नहीं है। फिर आपको 2 सेकंड के बाद इसको ऑन कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको प्रेस करके रखना है और तब तक करके रखना है जब तक ऑयल चेंज का इंडिकेशन चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है। अब अंदर में आपको सेटिंग करना है कि कितना इंटरवल के बाद आपको नेक्स्ट ऑयल चेंज करना है। तो यहाँ पे दो चीज है, अंदर में प्रेस करने के बाद आपको सॉरी यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्लिंक होता है कि कितना किलोमीटर के बाद आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3500 किलोमीटर के बाद मुझे चेंज करना है, लॉन्ग प्रेस करके मैं यहाँ से निकल गया। एक तो ये हो गया, इससे क्या होगा कि जब आज के डेट से लेके जब ये 3500 किलोमीटर कवर हो जाएगा तो यहाँ पे ऑयल चेंज का इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और एक है ट्रिप बी को आप यूज़ कर सकते हैं इंडिकेशन के लिए, ठीक है। तो ट्रिप बी को आप रिसेट कर दीजिए जिस दिन आप ऑयल चेंज कर रहे हैं, जिसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद ट्रिप बी ज़ीरो हो जाता है। मेरा जैसे जिक्सर सुजुकी जिक्सर है वहाँ पे ऑयल चेंज का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रिप बी को यूज़ करता हूँ इसको देखने के लिए कि कितना किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो रनिंग कंडीशन में भी देख सकता हूँ कि कितना किलोमीटर मेरा कवर हो गया जिस दिन से मैं इंजन ऑयल को चेंज किया हूँ। तो दोनों प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। तो गाड़ी को ऑन करते हैं अभी। और इंजन ऑयल जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि तुरंत तक गाड़ी को एक बार जस्ट ऐसे रेव करके, मतलब रेव नहीं करना है, जस्ट ऑन करके आप छोड़ दीजिए एटली 2 to 3 मिनट, ठीक है, ताकि जो भी इंजन के अंदर में जो पार्ट्स जो है, जो गियर्स जो है, वहाँ पे इंजन ऑयल अच्छे से लग जाए। तो अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, कोई भी नया इंजन ऑयल अगर डालते हैं तो इंजन बहुत स्मूथ आपको फील होता ही है, नो डाउट। तो इससे आप कुछ जज तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आप लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, तो मैं बाद में कमेंट बॉक्स में आपको लिख के मैं बता दूंगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, अगर इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट ऑफ सुजुकी जिक्सर अगर आपको पसंद आया है और ईच एंड एवरी क्वेरीज अगर मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, तो आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि किसी टाइप का और भी वीडियो मैं लाते रहूँगा। और मेहनत लगता है ये सब आपको दिखाने के लिए, इतना ही बस रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कुछ भी क्वेश्चन रहे तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।